एबीएम डिजिटल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्रिकेट से जुड़ी हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। क्रिकेट के भगवान ने क्रिकेट में एक नई कल्पना दी, उन्होंने अपने बल्लेबाजी से बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए और बल्लेबाजी में नई इतिहास रचा। यही नहीं, 200 रन बनाकर ये साबित किया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकते हैं और उन्होंने ये साबित भी किया। सचिन ने पहले किसी ने भी 200 का आंकड़ा नहीं छुआ था। सचिन तेंदुलकर 200 रन पहले बनाए, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने यह बता दिया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 200 के आंकड़े को पार किया। उसके बाद कई बल्लेबाज यह आंकड़ा छू लिया। अगर बात करें तो T20 क्रिकेट में अभी तक अछूता रहा। हालांकि क्रिस गेल, रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चलते रहे। कहा जाता रहा यह बल्लेबाज कभी भी T20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रिस गेल जरूर 175 रन की स्कोर तक पहुंचे थे, लेकिन वो भी T20 क्रिकेट में 200 का आंकड़ा नहीं छू सके। लेकिन एक बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ दिया है। ये बल्लेबाज कहीं और का नहीं, दिल्ली का है और ये दुनिया का पहला बैट्समैन बन गया है जो T20 में दोहरा शतक जड़ दिया। दिल्ली के लिए खेलते हुए सुबोध भाटी ने एक क्लब टूर्नामेंट में 79 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 205 रन की पारी खेली। इसमें 17 गगनचुम्बी छक्के और 17 चौके भी जड़े। सुबोध की पारी के बदौलत दिल्ली ने 256 रन बनाए। सुबोध नट आउट भी रहे, 205 रन बनाकर नट आउट रहे। जबरदस्त पारी खेली सुबोध ने। सुबोध ने यह इतिहास रच दिया है कि T20 क्रिकेट में 200 के आंकड़े पार कर दिए। अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में T20 में किसी भी बल्लेबाज ने 200 का आंकड़ा पार नहीं किया है। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े धुरंधर है, लेकिन किसी भी ने पार नहीं किया है। और वनडे में तो रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए हैं। बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो वनडे क्रिकेट में 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन T20 में अभी तक कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो 200 का आंकड़ा छुआ हो। और सुबोध भाटी ने यह कारनामा करके दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है ये, और अब टीम इंडिया में भी इनको मौका मिल सकता है जिस तरह से इन्होंने T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी की है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट आपको यहाँ मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को शेयर कर।